तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को रिलीज हुए आज पूरे 50 दिन हो चुके हैं, और इन 50 दिनों के बाद भी आज रॉकिंग स्टार यश की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करती हुई नजर आ रही है और कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी है। इस फिल्म को दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 14 अप्रैल को रिलीज किया गया था, जहां पर यह फिल्म लगभग 6.5 से 7 हजार स्क्रीन पर रिलीज की गई। दुनिया भर में इस फिल्म को लगभग 10.5 से 11 हजार स्क्रीन मिली थी। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको रॉकिंग स्टार यश के अलावा सुपरस्टार संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी भी नजर आई थी, जिसे कि मात्र 100 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया था। और इस पैन इंडिया फिल्म ने दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट करते हुए अपना बजट सिर्फ अपने पहले ही दिन रिकवर कर लिया। इसी के साथ दोस्तों रॉकिंग स्टार यश की फिल्म अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म की अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 750 करोड़, अपने दूसरे हफ्ते में लगभग 900 करोड़ और अपने तीसरे हफ्ते में लगभग 1100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया था। चौथे हफ्ते में दोस्तों यह फिल्म 1172 करोड़ रुपए पार कर चुकी थी। वहीं दोस्तों अपने पांचवें और अपने छठे हफ्ते को मिलाकर इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 1230 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके थे। हिंदी में दोस्तों इस फिल्म ने 570 करोड़ रुपए की कमाई ग्रॉस में की है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म ने टोटल 1230 करोड़ रुपए की कमाई 6 हफ्ते में की थी, जिसमें दोस्तों इस फिल्म का तेलुगु से जो कलेक्शन था वो लगभग 150 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। कर्नाटक से इस फिल्म ने लगभग 170 करोड़ रुपए कमा लिए थे। तमिल में इस फिल्म का कलेक्शन 110 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। साथ ही साथ दोस्तों मलयालम में भी इस फिल्म ने टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी और लगभग 70 करोड़ से ज्यादा यह फिल्म मलयालम में कर चुकी थी। इसी के साथ दोस्तों यह फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के 7वें हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इस हफ्ते भी इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। साथ ही साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने जहां अपने 7वें हफ्ते के वीकेंड्स में 6 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, तो वहीं दोस्तों वीकडेज में इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो 4 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने में कामयाब रहे। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म टोटल 1240 करोड़ रुपए के आंकड़े को अपने 7 हफ्तों में पार कर चुकी है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 दिनों में 1250 करोड़ की कमाई के साथ इंडिया की तीसरी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है और RRR के रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी है। दोस्तों इस हफ्ते इस फिल्म के पास 339 स्क्रीन्स थी। अब दोस्तों अगले हफ्ते पृथ्वीराज, विक्रम और मेजर जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, जिस वजह से दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अगले हफ्ते लगभग 80 से 100 स्क्रीन्स ही रहेगी और वहां से दोस्तों ये फिल्म लगभग 150 से 2 करोड़ रुपए की कमाई ही कर पाएगी। यानी कि दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में 1242 से 1245 करोड़ रुपए का हो पाएगा और ये फिल्म जिंदगी चाहते हैं सम्राट तो दिल्ली सुल्तान के हवाले करें। सुल्तान से कहना मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ युद्ध का। फाइनली दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार के करियर की सबसे मच अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल रिलीज किया जाना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले इस फिल्म के धमाकेदार रिव्यूज आना शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म ने एडवांस में भी एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनाई जा रही सम्राट पृथ्वीराज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म के रिव्यूज के बारे में। जानने वाले हैं दोस्तों कि इस फिल्म के जो फर्स्ट रिव्यूज निकल कर आ रहे हैं वो किस तरह के हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी सुपरस्टार अक्षय कुमार के डाहाट फैन से उनकी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म है पृथ्वीराज, जिसके लीड में आपको अक्षय कुमार के अलावा मानुषी चिल्लर, संजय दत्त और सोनू सूद नजर आने वाले हैं। चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा डायरेक्ट की जा रही दोस्तों इस हिस्टोरिकल फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कल रिलीज किया जाना है, जिसे कि हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर का लगभग 4500 से ज्यादा स्क्रीन मिल रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि कल इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह को इस फिल्म को दिखाया गया था, जहां से दोस्तों अमित शाह ने इस फिल्म के लिए अब तक के सबसे बेहतरीन रिव्यूज दिए हैं और बताया दोस्तों कि इंडिया में बनी हुई अब तक की सभी हिस्टोरिकल फिल्मों पर पृथ्वीराज सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाली है और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बनने वाली है। अक्षय कुमार ने दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के किरदार को जिस तरह से जिया है वो दोस्तों सराहनीय है और यही वजह है दोस्तों कि होम मिनिस्टर के अलावा इस फिल्म को देखने गए सभी लोगों ने इस फिल्म की तारीफें की है। यह फिल्म दोस्तों ग्रैंड विजुअल्स के साथ साथ भारतीय संस्कृति और हिस्ट्री को दिखाती हुई फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार ने सभी को इंप्रेस कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों मानुषी चिल्लर, संजय दत्त और सोनू सूद के किरदारों को भी ऑडियंस काफी पसंद करने वाली है और यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है। दोस्तों बताते चले आपको कि पृथ्वीराज की जो एडवांस बुकिंग थी उसे शुरू हुए तो 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों इस फिल्म की जो फुल फ्लेज एडवांस से वो अभी भी पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाई थी। उसके बावजूद भी दोस्तों अक्षय कुमार की इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने रिलीज से पहले ही आज 4 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर लिया है, जो कि एक तरह से बेहतरीन एडवांस कलेक्शन है। और आज दोस्तों इस फिल्म को जिस तरह से ऑडियंस की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, उम्मीदें हैं दोस्तों कि यह फिल्म आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए के आंकड़े को